बीएसएफ बम्पर भर्ती 2020। नमस्कार दोस्तों, बीएसएफ की तरफ से एक और बड़ा यहाँ पर रिक्रूटमेंट आपके लिए जारी कर दिया गया। अगर आपका भी सपना है बीएसएफ में सिपाही भर्ती होने का, तो यहाँ पर 10वीं पास अगर आप हो तो इस भर्ती के लिए आपको एलिजिबल माना जाएगा और बहुत ही बड़ा मौका है। लगातार अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे कि सर बीएसएफ का रिक्रूटमेंट कब तक आएगा, तो यहाँ पर ग्रुप बी और सी ग्रुप पे यहाँ पर सीमा सुरक्षा बल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज में एक रिक्रूटमेंट निकाल दिया गया है यहाँ पर सोल्जर के लिए, कॉन्स्टेबल के लिए। तो आपके लिए दोस्तों मैं सारी जानकारी इस वीडियो में डिटेल से बताने वाला हूं कि आखिर रिक्रूटमेंट कब से शुरू होगा, कब तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होने वाला है, और इस रिक्रूटमेंट में भर्ती होने के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखी जाएगी, एज क्रिटेरिया क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, कौन कौन से पदों पर आपकी भर्ती होगी, क्या आपको सैलरी मिलने वाली है। दोस्तों पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में डिटेल से विस्तार से बताने वाले हैं। वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें समझ में आ जाए और इस बार आपका सिलेक्शन है वो बीएसएफ में आसानी से हो जाए। दोस्तों सारी जानकारी बताएं उससे पहले भी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, चैनल पे पहली बार आए हो और आगे आने वाले बीएसएफ के हर प्रकार के रिक्रूटमेंट की अपडेट पाना चाहते हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आप कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं। तो चलो दोस्तों देखते हैं सारी जानकारी। तो दोस्तों आप यहां पर देखते हो बीएसएफ रिक्रूटमेंट 2020, बीएसएफ में कॉन्स्टेबल और एसआई समेत कई पदों पर निकाली भर्तियां। जी हां दोस्तों, यहां पर पूरी जानकारी मैं आपको दिखा देता हूं। बीएसएफ में ऑफिशियल जो रिक्रूटमेंट है वो यहां पे जारी कर दिया गया, इसमें 200 से ज्यादा पदों पर आपकी ये भर्ती होने वाली है। अलग अलग आपको बताएंगे कौन कौन सी वैकेंसी इसमें आई है। अगर आप भी सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर लेके आए, सशस्त्र सीमा बल जो आपके बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है उसमें कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, जेई, एससी और एनसी और एएसआई के पदों पर ही आपकी भर्ती होने वाली है। इच्छुक अभ्यर्थी विभाग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.bsf.gov.in उस पे जाकर आप इसका ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर मैं डिटेल आपको एक बार बता देता हूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहां पर जो बीएसएफ की भर्ती आई है वो कौन-कौन से पदों पर है। तो बीएसएफ में आपके सिपाही से लेकर एएसआई और एसआई और एसी तक की ये बड़ी भर्तियां होने वाली है। यही सबसे पहले बात करें तो बीएसएफ में इंजीनियरिंग कैडर के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन की जो आखिरी तारीख है वो 15 अक्टूबर 2020 है, वो यहां पे रखी थी। लेकिन अगर आप बीएसएफ ग्रुप सी पदों पर आवेदन की आखिरी तारीख की बात करें तो अभी 28 अक्टूबर तक ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। वही बीएसएफ के जो इंजीनियरिंग कैडर ग्रुप बी, एयर विंग और कांस्टेबल के पदों के लिए आवेदन की जो आखिरी तारीख है वो 23 अक्टूबर 2020 है। ऑनलाइन वोट के आधार पर ये फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हो, जिसमें आपके बीएसएफ कांस्टेबल के 75 पद होंगे, एएसआई वर्क्स के आपके 26 पद होंगे, जेई इलेक्ट्रिकल के 26 पद होंगे, जबकि एएसआई असिस्टेंट एयरक्राफ्ट मैकेनिकल के 10 पद है। वही एएसआई असिस्टेंट एयरक्राफ्ट रेडियो मैकेनिज्म के 12 पद है। अन्य पदों पर भर्तियों से जुड़ी जानकारी हम आपको बता देंगे और ऑफिशियली जो साइट है उसमें सारी चीजें आपको दी हुई मिल जाएगी। अब बात आती है दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस, आखिर सिलेक्शन कैसे होगा, क्या क्या होने वाला है। तो दोस्तों बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन के पदों पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का चयन सबसे पहले उनका पीएसटी होगा, पीईटी होगा, उसके बाद उनका डॉक्यूमेंटेशन होगा, उसके बाद उनका ट्रेड टेस्ट होगा, उसके बाद उनकी लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद उनका मेडिकल होगा और फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी। जबकि ग्रुप बी जो इंजीनियरिंग के पदों पर आपके भर्ती होने वाली है उसमें सबसे पहले लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद में डॉक्यूमेंटेशन होगा, उसके बाद प्रैक्टिकली टेस्ट और मेडिकल एग्जाम के बाद में उनका फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। दोस्तों जल्दी से आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो यहां पर आप देख लीजिएगा बीएसएफ के पदों पर आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है। तो इसके लिए भी मैं बता देता हूं, बीएसएफ कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, जेई, एससी और एससी और एएसआई के पदों पर आवेदन के लिए अभ्यर्थी सबसे पहले आपको विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, जिसका लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। फिर विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको अप्लाई लिंक पे आपको क्लिक करना है, उसके बाद ग्रुप सिलेक्शन करें, कौन से ग्रुप के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, कांस्टेबल के लिए कर रहे हो, एएसआई के लिए कर रहे हो, एससी के लिए कर रहे हो, उसके बाद बीएसएफ के जो कांस्टेबल आपके पद है वो आपको भरने होंगे, उसके बाद फॉर्म भरने के बाद आपको फीस भी सबमिट करनी होगी। फीस सबमिट करने के बाद सबमिट लिंक पर आप क्लिक करके ऑनलाइन फॉर्म है वो आपका सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। दोस्तों 28 तारीख इसकी लास्ट डेट है, अगर आपने अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया तो जल्दी से बीएसएफ की ऑफिशियल साइट पे जाके इसका फॉर्म आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी जानकारी, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ में जानकारी अपने दोस्तों के पास में भी आप जरूर शेयर करें। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जय।